बर्थडे स्पेशल है। पांच बहनों के एक भाई हैं, पर बलर नहीं बनना चाहते थे भजी। ऐसी ही दस रोचक बातें टीम इंडिया के हरफन मॉल स्पिन बॉलर एवं दाएं हाथ के बल्लेबाज हरभजन सिंह आज 38 साल के हो गए हैं। जानिए उनके निजी जीवन से जुड़ी रोचक बातें। पंजाब के जालंधर निवासी सरदार हरदेव सिंह प्लाहा के घर 3 जुलाई 1980 को इस नामी खिलाड़ी ने जन्म लिया। उनकी पांच बहनें हैं। जालंधर में उनका आलिशान घर है और जिस कॉलोनी में वे रहते हैं वे जालंधर की सबसे महंगी कॉलोनियों में से एक है। उनका बंगला 3 एकड़ में फैला है। भजी के पास 1 करोड़ की हमर कार है और वे ज्यादातर इसी में सफर करते हैं। हरभजन सिंह को उनके फैंस और दोस्तों ने कई नाम दिए हैं, जैसे टर्बनेटर, भज्जी, भजीपा, भाजू। भजी के बारे में जानकर हैरानी होगी कि उन्हें उनके पहले कोच चरणजीत सिंह भुलर ने बल्लेबाज के तौर पर प्रशिक्षित किया था, लेकिन अचानक उनकी मौत हो जाने के बाद उनके कोच दविंदर अरोड़ा ने उन्हें गेंदबाजी में हाथ आजमाने को कहा, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। हरभजन सिंह ने 29 अक्टूबर 2015 को एक ट्रेस गीता बसरा से शादी की। अब वे एक बेटी के पिता बन गए हैं। अपने हंसमुख और मस्त मौला स्वभाव से लोकप्रिय हरभजन सिंह पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। वह बरनाला में पंजाब पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं। अपने क्रिकेट कैरियर में हरभजन सिंह टेस्ट में 417 और वनडे में 269 विकेट ले चुके हैं। वे इंडिया के लिए टेस्ट में तीसरे बेस्ट, अनिल कुंबले 619 और कपिल देव 434 विकेट के बाद और वनडे में 5वें बेस्ट बॉलर, कुंबले 334, श्रीनाथ 315, अगरकर 288 और जहीर खान 269 विकेट हैं। हरभजन फील्ड के अंदर या फील्ड के बाहर दोनों जगह हमेशा चर्चा में रहते हैं। हरभजन सिंह से कई विवाद भी जुड़े हैं। वे कभी किसी खिलाड़ी को बंदर कहते हैं तो उन्होंने श्री संत को थप्पड़ मार दिया था। एक बार वे मैदान पर सचिन तेंदुलकर के गले लगकर रोने लगे थे। हरभजन सिंह देश के बेस्ट और क्रिकेट जगत के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं। हरभजन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसा 2001 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई टूर के दौरान किया था। जनवरी 2008 में एंड्रयू साइमंड्स ने भजी पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। हरभजन ने उन्हें मैच के दौरान बंदर कहा था, जिसके बाद आईसीसी ने भजी पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में मामला सुलझ गया। आईपीएल के दौरान श्री संत को थप्पड़ मारने के कारण भजी पर 11 मैचों का प्रतिबंध और 1 मैच की फीस का जुर्माना लगा था। 2009 में हरभजन सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। हरभजन सिंह टेस्ट और वनडे में 3-3 बार मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं। भजी का शुरू से एक ऑलराउंडर बनने का लक्ष्य था। भजी अपनी दूसरा गेंद के लिए भी काफी मशहूर हैं। हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग से जुड़ा एक रोचक किस्सा बहुत लोकप्रिय है। रिकी पोंटिंग भजी की गेंदबाजी से डरते थे। वे खुद कहते हैं कि उन्हें भजी की बॉलिंग समझ नहीं आती। वे जब भी उनके सामने बॉलिंग करने आते हैं तो वे डर जाते थे। भजी पोंटिंग को अब तक 10 बार आउट कर चुके हैं।